हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रनिंग बॉस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ठीक है, तो आज मैं आप सभी को ऐसे ऑफ़र के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सभी का बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना बस कुछ नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस रेड कलर बटन दबा के, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल का आइकन आएगा। ठीक है दोस्तों, उसे भी ज़रूर, यहाँ पर देख सकते हो तो एक बेल का आइकन आ चुका है, तो उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, इस एप्लीकेशन को मतलब कि तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको माई एयरटेल ऐप, सेकेंड आपको पेपल, एंड थर्ड जो है वो है कुबेर। ठीक है, तभी जाकर आपको मतलब बहुत सारा फ़ायदा, मतलब 250 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले करना माई एयरटेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल, प्ले स्टोर में फ्री है, मिल जाएगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड ओपन करने के बाद आपको कैसे जो मतलब कि लेना है मास्टर कार्ड, ठीक है, और फेक KYC वगैरह करके वो भी मैं सिंपली दिखा दूंगा। तो सबसे पहले कंटिन्यू बटन दबा देना, एंड कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मतलब जैसे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो पेमेंट बैंक का ऑप्शन है थर्ड में, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो थर्ड में मिल रहा है पेमेंट बैंक का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ए वाला आपको क्लिक कर देना है। एंड आपका मतलब पहले KYC करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही पेमेंट बैंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, तो सब कुछ भर देना है। पैन कार्ड आपको फेक लिख देना है, ठीक है, फेक टाइपिंग कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा फेक पैन कार्ड का नंबर दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप उठाकर डाल सकते हो। तो उसके बाद आप इस नंबर पे मतलब कि जैसे पेमेंट बैंक बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको, तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड मनी, तो यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करके 400 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं 400 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ, तो 400 रुपीज़ ऐड कर लेना। ठीक है, आपका जो मतलब कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, यहाँ पर आप सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लगा सकते हो। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से कर लेना यहाँ पर ऐड, तो मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ 400 रुपीज़। तो दोस्तों उसके बाद आपका मतलब कि एक बैंक नेट बैंकिंग करके भी ऐड कर सकते हो, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर मैं न्यू कार्ड पे क्लिक करके डेबिट कार्ड का नंबर, नेम और एक्सपायरी डेट और CVI देख के पे बटन पे जैसे दबाओगे और OTP आएगा, OTP को भर देना, बस आपका जो 400 रुपीज़ है वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपली मैं 400 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कि सब कुछ डाल के मैं जैसे आया हूँ, यहाँ पर एक OTP आया है, OTP को डाल के मैं वेरीफाई सिंपली दबा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 400 रुपीज़ ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने 400 रुपीज़ ऐड कर लिया। तो यहाँ पर आपको ये माई एयरटेल ऐप में आपको हर बार 50 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो रिचार्ज कर लेता हूँ मैं मेरा फ़ोन नंबर पे रिचार्ज 50 रुपीज़ का रिचार्ज करूँगा, 50 रुपीज़ इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। तो सिंपली मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रिचार्ज कर लिया है मैंने, ठीक है, मतलब कि नंबर डाल दिया, एंड पे नाउ पे दबाऊंगा। आप यहाँ पर DTH भी रिचार्ज कर सकते हो, उसके बाद 50 रुपीज़ अमाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों वहाँ पर अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है, मतलब कि यहाँ पर पेमेंट बाकी जाके रिचार्ज नहीं होता है, तो दोस्तों आप करोगे क्या, यहाँ पर नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी मतलब सही सही नंबर दे देना, एंड 50 रुपीज़ अमाउंट सिलेक्ट कर लेना, एंड ये टिक मार्क लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किसी भी एक नंबर दबा देना है, ठीक है, मतलब कि आपका जो भी नंबर है
वो दबा देना है, और यहाँ पर आपको 50 रुपीस अमाउंट सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे जाके उसी एयरटेल मनी मतलब जो ऐड किया था उसमें से 50 रुपीस आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एम पिन है वो डाल के यहाँ पर टिक मार्क लगा देना। तो सिंपली मैं एम पिन दे चुका हूँ एंड उसके बाद इस टिक मार्क को लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही लगा दूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग पेमेंट दिखाई देगा, तो कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज भी हो गया। ठीक है, और 400 रुपीज़ का 400 रुपीज़ ही रह गया। ठीक है, मतलब कि आप 50 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे 50 रुपीज़ ही कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है पेपल अकाउंट को मतलब कि बना लेना है, एक न्यू पेपल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते पेपल, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर लेना। एंड आपका जो मतलब कि इस एयरटेल ऐप में मास्टर कार्ड मिला है, ठीक है, वो मास्टर कार्ड देकर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट बैंक में जो ऑनलाइन मास्टर कार्ड मिला है ना यहाँ पर, तो इस कार्ड का मतलब कि इस कार्ड का नंबर सब कुछ देकर उस पेपैल अकाउंट में कर लेना। ठीक है दोस्तों, पेपैल एप्लीकेशन को अकाउंट बनाने के बाद आप चले जाना है कुबेर ऐप में। ठीक है, तो सिंपली मैं कुबेर ऐप में चले जाता हूँ। तो दोस्तों आपके फ़ोन में मतलब जो कुबेर एप्लीकेशन है उसको अभी इंस्टॉल करो, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तीनों ऐप का। ठीक है, एंड जैसे इंस्टॉल करोगे पासवर्ड वगैरह सब कुछ देकर साइन अप कर लेना, बड़ा सा नाम देकर। एंड जैसे मतलब साइन अप कर लोगे यहाँ पर आपको एक स्पिन फ्री में मिल जाएगा, तो स्पिन में आप 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, यहाँ पर देख सकते मुझे 20 रुपीज़ मिला है, आपको भी मिल सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते पेपल पे विथ पेपल सेफ सेफ है। ठीक है, मतलब कि 50% कैशबैक मिलेगा, आप अगर 400 रुपीज़ का ऐड करोगे यहाँ पर फिर से 200 रुपीज़ मतलब कि कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको गेट पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर गेट पे क्लिक करके पेपल मतलब कि उस मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड मनी कर लेना है। ठीक है, इस ऐड मनी पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आपको प्रोमो कोड वगैरह कुछ नहीं देना है, प्रोसीड टू पे कर देना है। एंड उसके बाद जो मतलब कि आपका पेपल का अकाउंट है बनाया है उस यहाँ पर पेपल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड 400 रुपीज़ ऐड कर लोगे तो आपको पेपल में फिर से 200 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, तो सिंपली वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका पेपल के ईमेल एड्रेस, उसके बाद नेक्स्ट दबा देना, तो उसके बाद कुछ ऐसा करके घूमेगा। ठीक है, एंड आपका पेपल अकाउंट में जो मतलब मास्टर कार्ड ऐड किया था उसमें आपको एक CVV कोड होता है, वो डाल के सिंपली 400 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना। तो एयरटेल में ऐप में आपका 50 रुपीज़ फ्री रिचार्ज हो गया। ठीक है, उसमें 50 रुपीज़ से कैशबैक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर भी आपको 200 रुपीज़ कैसे मिलेगा वो भी मैं सिंपली दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते 400 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो CV नंबर डालने के बोल रहे हैं, एंड उसके बाद पे नाव पे क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिंपली इस नंबर को डाल के मैं पे नाव पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों CVV नंबर डालने के बाद पे नाव पे सिंपली क्लिक कर देना है। पे नाव पे जैसे क्लिक करोगे 400 रुपीज़ इंस्टेंट ऐड हो जाएगा आपके जो मतलब कि कुबेर ऐप में। ठीक है, और उसके बाद 200 रुपीज़ फिर से ऐड हो जाएगा, तो सिंपली वो भी मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद सबमिट दबा देना है एम पिन, एंड यहाँ पर एम पिन दबा के सबमिट सिंपली दबा देना। तो दोस्तों मैं एम पिन दबा दिया, उसके बाद सबमिट पे जैसे दबाता हूँ। ठीक है, अगर मतलब कि एम पिन सही होता है तो तभी ऐड होगा, अगर मतलब गलत दे दिया तो आपका ऐड पैसा ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसिंग ले रही है। ठीक है, प्रोसेसिंग लेने के बाद मतलब कि इंस्टेंट ऐड हो जाएगा कुबेर ऐप में, तो वो भी मैं सिंपली दिखा देता हूँ। तो मुझे पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर देख सकते हो 400 रुपीज़ ऐड हो रही है, मतलब कि अभी पेंडिंग दिखा, यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुल, यहाँ पर ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि 400 रुपीज़ ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब देख सकते हो सक्सेस दिखा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 400 रुपीज़ ऐड हो चुका है। ठीक है, 420 रुपीज़ हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको उसी वाले टैब पे जाना है, गेट पे, एंड फिर से गेट पे चले जाना है नीचे में। एंड गेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस बार अमाउंट सिलेक्ट करना है 200 रुपीज़। ठीक है, एंड ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे ऐड मनी पे
या फिर प्रोमो कोड वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपको वही मतलब कि पेपल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड फिर से जो पेपल है वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड इस बार आप देख सकते हो, ठीक है, इस बार आप देख सकते हो कि कुछ भी मतलब कि पासवर्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड आपके मतलब कि जो 200 रुपीज़ का कैशबैक है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 200 रुपीज़ फिर से मिल जाएगा कैशबैक। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल ऑफ़र, यू विल सेव 200 इंडियन रुपीज़ दिस ऑफ़र, ठीक है। मतलब कि 200 रुपीज़ मुझे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो ठीक है दोस्तों। तो फिर से पे नाउ पे क्लिक करके मतलब का इस बार आपको कुछ भी मास्टर कार्ड वगैरह CVV कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो बिल्कुल फ्री में पैसा ऐड हो जाएगा 200 रुपीज़। मतलब कि आपके पैकेट से गया 400 रुपीज़, आपके मतलब कि कुबेर ऐप से मतलब कि ऐड हो चुका है 600 रुपीज़, ठीक है। लेटर कर देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन भी मिल चुका है कि ऐड हो चुका है हमारा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जहाँ पर मेरा 420 रुपीज़ था, यहाँ पर आप देख सकते हो 620 रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि मेरे सिर्फ 400 रुपीज़ गया मेरा बैंक से और 600 रुपीज़ कुबेर ऐप में ऐड हो चुका है। तो बहुत बढ़िया ऑफर है, आप भी लूट लो दोस्तों। मैं भी लूट लिया, ठीक है, मेरा दो फ़ोन में दो बार कर लिया। अगर मतलब कि आप क्लोन बना के रेफ़र करोगे तो आपका अकाउंट जो 100% ब्लॉक हो जाएगा। तो शायद आप क्लोन ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ करके फ़ायदा हो रहा है, 200 रुपीज़ ही फ़ायदा कर लो, फ़ायदेमंद हो जाओ, ठीक है। तो ये 600 रुपीज़ ऐड हो गया और मेरा सेकंड फ़ोन में भी मैंने 600 रुपीज़ ऐड कर लिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।